कोरोना महामारी के संकट काल में 81 दिन के बाद एक बार फिर धर्मनगरी चित्रकूट की रौनक बदलती नजर आ रही है। आज से प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के मठ मंदिरों के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मंदिरों में सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है और अब प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ये भगवान के दर्शन मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, चित्रकूट के प्रभारी मंदिर भगवान कामतानाथ मंदिर के गेट पर ही बाकायदा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। हैंड सैनिटाइजर के बाद सिर्फ 3-3 की संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है और मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को न तो प्रसाद नारियल चढ़ा सकते हैं और ना ही उन्हें अगरबत्ती जलाने की अनुमति मिली है। सिर्फ भगवान के दर्शन करके दूसरे रास्ते से बाहर निकलना होगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। सतना से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, कामतानाथ जी का मंदिर जो है लगभग 2.5 महीने 75 से 80 दिन करीब हो गया है बंद और आज प्रातःकाल खोला गया है। पहले भगवान ठाकुर जी का स्नान, पूजन, मंगला आरती, उसके बाद सैनिटाइजर वगैरह करवा करके और सब श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। उनको निर्देश भी दिया गया कि सब लोग मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइजर करके आएंगे, हाथ पैर धो के आएंगे और एक एक करके आएंगे और 2 गज की दूरी बना के चलेंगे, तभी आपको दर्शन संभव है। इसी हिसाब से हम लोग दर्शन करा रहे हैं और सबसे मंगल कामना करते हैं कामतानाथ भगवान से कि सबका मंगल हो, पूरे संसार का मंगल हो, ये महामारी से मुक्ति मिले, अपने देश को, विदेश को, जो भी जहाँ भी जो हैं अपने लोग, मानव जाति, धर्म जो भी है, सबके लिए हमारी यही कामना है, भगवान से आशीर्वाद है। क्या नाम है महाराज जी? भरत शरण में प्रधान पुजारी, प्राचीन अनाथ कामतनाथ मंदिर महाराज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।